नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मातृ दिवस के शुभ अवसर पर रुद्र गोसेवा टीम झालावाड़ राजस्थान द्वारा बेसहारा गोवंशों के लिए पानी की टंकियां रखवाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव गोसेवक लक्ष्मण सिंह हिंदू रहे और विशिष्ट अतिथि अजय शर्मा थे। मुख्य अतिथि ने वहां मौजूद सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भगवा दुपट्टा में तिलक लगाकर अभियान की शुरुआत की। बताया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निराश्रित गोवंशों के लिए पानी की टंकियां और हरा चारा सूखा चारा डालने पर जोर दिया गया। सभी संस्था, सभी संगठन और सामाजिक संगठनों को इस पुनित कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक निराश्रित गोवंशों की सेवा सुरक्षा में रक्षा कर सकें। ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। इस बार 51 टंकियों का टारगेट था, परंतु अभी 48 टंकियां कवर हो पाई। इस महीने में पूरी 51 टंकियां रखवाई जाएगी। साथ ही हिंदू रुद्र सेना नारी शक्ति द्वारा मातृ दिवस के उपलक्ष्य में गिंदौर झालरापाटन जलेश्वर महादेव मंदिर पर हर्षोल्लास के साथ झालरापाटन जलेश्वर महादेव मंदिर में मातृशक्ति का पुष्प फूल माला द्वारा सम्मान किया गया। संभागीय मीडिया प्रभारी कमलेश सोनी ने सबका आभार व्यक्त किया। विशिष्ट अतिथि रुद्रसेना गोसेवा टीम जिला कार्यकारिणी सदस्य की पद की नियुक्ति की गई। वरुणेंद्र तीर्थ द्वारा शंकराचार्य मठ में आद्य शंकराचार्य भगवान का चरण पूजन किया गया। भानपुरा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित भारतवर्ष के कोने कोने से आए हजारों भक्त शामिल हुए। संस्कृति भवन में शंकराचार्य जी का आशीर्वचन हुआ। युवाचार्य जी का विभिन्न संस्थाओं द्वारा बहुमान किया गया। सामूहिक महाप्रसादी का भी आयोजन हुआ। आज सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की, हर महादेव। आज हम राजस्थान के जिला झालावाड़ के झालरापाटन तहसील में के यहाँ पर हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी बेसहारा निराश्रित जो गोवंश है उनके लिए पानी की टंकियाँ रखवाई जा रही है, जो कि हर वर्ष करते हैं। और इस वर्ष हमारा टारगेट था 51 का। अभी तक हमने टोटल मिलाकर 47 चार टंकी की व्यवस्था, और हम इसी महीने में व्यवस्था बिठाएंगे बाकी। और मैं सभी समाज बंधुओं से, सभी हिंदू संगठन वाले भाइयों से, और जो भी अपने संगठन जुड़े हुए हैं या जो भी धर्म के लिए जो पहुँचे हुए हैं, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि किस प्रकार से थोड़ा सा सेवा करिए। इस प्रकार से हमने एक गौ माता की टंकी आपके सामने रखी हुई है, ये सारी टंकियाँ हम रखवा रहे हैं। ऐसा मैं चाहता हूँ कि जितने भी अपने पदाधिकारी कार्यकर्ता, जो भी हिंदू संगठन जुड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी जो कार्य रुद्र सेना गोसेवा टीम